अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबरार और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट जीरो 2.0। पीएसएल साल सन 2024 की ड्राफ्टिंग कल होने जा रही है और एक और फहरिस्त जो है वो हमारे सामने आ चुकी है डायमंड कैटेगरी की, जो कि दूसरी बड़ी कैटेगरी रहती है पीएसएल के अंदर। उसकी फहरिस्त जो है वो जारी कर दी गई है, कौन कौन जो है वो इसके अंदर शामिल है। मोहम्मद आमिर भी जो है वो इस फहरिस्त के अंदर मौजूद है, एक और दो चार पाकिस्तानी प्लेयर भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा फोरिजन जो है वो टॉप प्लेयर भी आपको इसके अंदर दिखाई देने वाले हैं। आपको जो है वो पूरी लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन जो है वो पड़ा हुआ है इस डायमंड कैटेगरी के अंदर। तकरीबन 80 प्लेयरों की जो है वो फहरिस्त आ चुकी है जो डायमंड कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो है वो ऑल पे कर लें, ताकि आने वाली तमाम पीएसएल से रिलेटेड न्यूज फैक्ट खबरें जो है वो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करें पहली फहरिस्त की, तो वहां पर जो है वो तकरीबन 80 प्लेयर मैंने आपको बताए और फहरिस्त आपके जो है वो साइड में चला रहा हूँ और आप देखो, और ये प्लेयर जो है वो मैं आपको पढ़ के भी नाम बता रहा हूँ। बड़े प्लेयर हैं ये भी, कोई छोटे प्लेयर नहीं है, बहुत बड़े प्लेयर हैं डायमंड कैटेगरी के अंदर। सबसे पहले नंबर पर एडम लेटम, एडम रोगिस्टन, इसके अलावा आसिफ अली, हमारा ये वाला पाकिस्तानी आसिफ अली मौजूद है। इसके अलावा अजमतुल्ला उमर जई, इसके अलावा बेंजामिन मैकडॉर्मेट है, इसके अलावा बेनी होवेल, बोर्जन 14, बाइडन कॉर्नर, इसके अलावा चैट बाउलर, इसके अलावा भाई साहब चैडविक वाल्टन विकेट कीपर, ये भी इसकी भी भाई साहब पिक हो सकती है कहीं ना कहीं किसी भी टीम में। इसके अलावा शमीका करुणा रत्ने, ये भी भाई साहब जबरदस्त बैटिंग स्किल। इसके अलावा चंदर पाउल हिमराज भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा चरित असलंगा, क्रिस ग्रीन और जो है वो कोई मैक्रेन, इसके अलावा कोरबिन बाउच, इसके अलावा बैंड डैन लॉरेंस, डेनियल बेल, इसके अलावा डेनियल पिटीगर, इसके अलावा दिलशान मधुशमका, दुआन जेंशन और दुश्मंता चमीरा, इनके नाम जो है वो पहली फहरिस्त के अंदर शामिल हैं। इसके अलावा दूसरी फहरिस्त की तरफ बढ़ते हैं, उसमें कौन कौन शामिल है, वहाँ पर जो है वो फेबियन एलिम, जॉर्ज लिंडे, गूस एटिंगसोन, हाइडन वाल, जैक टेलर, जेकोबिन बफे, जेको बस ल्यूज, इसके अलावा जेम्स फुलर जिन्होंने पिछले साल कराची किंग से खेला था, इस साल आपको ड्राफ्टिंग के अंदर दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा जेम्स सिमवार, इसके अलावा जॉनसन चार्ल्स भी भाई साहब आपको जो है वो डायमंड कैटेगरी के अंदर नजर आने वाले हैं। जॉर्डन कॉक्स, इनका भी काफ़ी बेहतर नाम है, इनको भी अगर कोई टीम पिक करना चाहे तो कर सकती है। फिर जन्नत करीम, इसके अलावा काशिफ अली, कनर लेविस, कैरन पॉवेल, लाउरी इवेंस, लाइम डेवसन का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा लिटुन दास बांग्लादेश के विकेट कीपर है, इनको भी अगर कोई टीम पिक करना चाहे तो एक बेहतरीन ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, एक विकेट कीपर और एक ओपन का जो है वो ऑप्शन मौजूद है, जो जिसके लिए कराची किंग अगर जाना चाहे तो डायमंड कैटेगरी से जा सकती है और आपको जो है वो यहाँ पर विकेट कीपर और एक बैट्समैन भी मिल सकता है ओपन के लिए। इसके अलावा भाई साहब लुंगी नगीडी फास्ट बॉलर, इसके अलावा मार्टिन गप्टिल ओपन बैट्समैन, मैथ्यू पोर्टेस, मैक्स ओ डाउन यहाँ पर जो है वो मौजूद है। अगली फहरिस्त की तरफ बढ़े तो वहां पर सबसे पहला नाम हमें देखने को मिल रहा है मेहदी हसन मेराज का, माइकल जेम्स, इसके अलावा माइकल पिटोरियस, मोहम्मद महमदुल्ला, इसके अलावा मोहम्मद आमिर का खास तौर पर जो है वो डायमंड कैटेगरी के अंदर नाम आ रहा है। इस पूल के अंदर जो है मोहम्मद आमिर मौजूद है डायमंड कैटेगरी में, कोई भी टीम जो है वो डायमंड कैटेगरी से मोहम्मद आमिर को पिक कर सकती है। इसके अलावा मोहम्मद नबी, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद शहजाद, इसके अलावा भाई साहब मोहम्मद वसीम, मुशफिकुर रहीम, नादरी बर्गर, इसके अलावा भाई साहब नकरुम बोनर, इसके अलावा ओबूस पाइनर, इसके अलावा ओली पॉप, इसके अलावा ओली स्टोन, ओशान थॉमस वेस्ट इंडीज से, इसके अलावा भाई साहब रकीम कोर्नवाल, रीजा हैंड्रिक्स, ये भी एक बड़ी पिक है, रीजा हैंड्रिक्स की एक बहुत बड़ी पिक है, अगर कोई टीम पिक करना चाहे तो भाई साहब इसको भी कर सकती है रीजा हैंड्रिक्स को। इसके अलावा रिचर्ड ग्लीसन यहाँ पर शामिल है, सदीरा शामिल है, इसके अलावा सैम हैन इस फहरिस्त में शामिल है। इसके अलावा अब आखिरी फहरिस्त की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरी फहरिस्त में कौन कौन से जो वो नाम शामिल हैं, चैडरिक डेक्टर, इसके अलावा शाय होप, शमर स्प्रिंगर, इसके अलावा शर्मा ब्रॉक्स, इसके अलावा सिम और रोज, सिसंदा मलांगा, तमीम इकबाल खान बांग्लादेश से ओपन बैट्समैन, इसके अलावा तस्कीन इकबाल फास्ट बॉलर एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है, इसके अलावा टिम सैफर्ड, टॉम बर्नर, वसीम अक्रम, वैन पानेल, जाहिर खान, ये कुछ जो है वो नाम 80 से 81 नाम मौजूद हैं हमारे पास जो डायमंड कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे और डायमंड कैटेगरी के यही प्लेयर होंगे, यहीं से जो है वो टीमों को पिकअप करना है। इसके अलावा डायमंड कैटेगरी का कोई और पुल नहीं रहने वाला, आमिर भी इसी जो है वो कैटेगरी के अंदर शामिल है और सारी टीमें जितने भी डायमंड की पिक्स हैं
वो यहीं से ये जो 80 खिलाड़ी हैं इन्हीं से जो है वो पिक्स रहने वाली है, हर टीम यहीं से करेंगी। और इसके अलावा अब अगली लिस्ट जो मैं लेके आऊंगा वो प्लांटिनियम कैटेगरी, क्योंकि ये प्लांटिनियम कैटेगरी में कौन कौन शामिल है उसमें कई पाकिस्तानी भी होंगे और कई फॉरिजन प्लेयर भी जो है वो आपके रहने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी पीएसएल के हवाले से, ये जो मैंने लिस्ट आपको दिखाई, और आगे जो है वो आपको मजीद लिस्टें भी दिखाऊंगा। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।